बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ इसी गाड़ी से आए हैं और यहां से उतरकर सीधा अस्पताल के भीतर गए हैं। जैसा सृष्टि आपको बता रही है, पहले वो परिजनों से यहां पर मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद घायलों से, ऊपर घायलों का आपको बता दें, वहां घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं और उनका हाल जान रहे हैं। हर मदद, हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। आपको बता दें, राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर ये सीधा ऐलान किया है कि जो मृतक हैं उनके परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 2 लाख रुपए का सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ उन टीमों का भी गठन किया जा चुका है जो बारीकी से इस पूरे हादसे की, इस पूरी त्रासदी की जाँच कर रही है। आपको बता दें, बीते दिन राज्य के मुख्य सचिव और DGP को भी बोला गया था कि टीमों का गठन करें, आप घटनास्थल पर जाकर पूरा जायजा लें और यहाँ पर देखा जाए कि आखिर कहां पर चूक हुई, कहां पर गलती हुई और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, अभी जो FIR हुई है, उस FIR को लेकर थोड़ी नाराजगी है कि उसमें उस बाबा का नाम नहीं है जिसके चलते, जिसके सत्संग में इतने लोग आए, इतने भक्त उनके आए और उनकी वहां पर शवों का अंबार बिठ गया। लेकिन आपको हम तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इसी अस्पताल के भीतर है, यहां हाथरस का जिला अस्पताल है। यहीं पर बीती रात जो है 34 शव लाए गए थे जिनका पोस्टमार्टम किया गया था और घायलों का भी यहीं पर उपचार चल रहा है। उन्हीं के बीच में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जैसा कि कहा गया था कि वो खुद आएंगे, घटनास्थल पर जाएंगे, उस अस्पतालों में जाएंगे जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, उस परिवार से मिलेंगे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया जाएगा। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इसी अस्पताल के भीतर की देख रहे हैं, हाथरस का जिला अस्पताल है और यहाँ पर देखिए, आपसे कुछ वक्त की अगर पहले की बात करें तो परिवार आपके पास, लेकिन देखिए ये तस्वीरें इस वक्त सीधी हम दिखा रहे हैं अस्पताल जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं जाहिर तौर पर। और फिर उसके बाद इंतजार इस बात का भी रहेगा श्वेता कि किस तरह से ये पूरा वाकया पेश आया, क्या कुछ हुआ, क्योंकि तमाम जो थ्योरीज है वो सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं जो उस आश्रम में, जो बाबा का आश्रम है वहां से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और हिमानी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनके घर वालों से मिल रहे हैं, वो जान रहे हैं क्या हुआ था जिस वक्त ये सब वहां पर मौजूद थे, कैसे वो भगदड़ मची थी, कैसे एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरना शुरू हो जाते हैं, कोई निकल नहीं पाता है। ज्यादातर एक तरह से कहें वो श्रद्धालु थे जो महिलाएं थी, बच्चे थे, यानी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पहुंची थी। एक महिला से इस वक्त बात भी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इनके जो परिवार वाले हैं उनका इलाज चल रहा है और ऐसे में जरूरी ये है कि इलाज होने के साथ ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उसी के साथ उन लोगों पर एक्शन हो जो इस बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का वहां पहुंचना एक बहुत बड़ा मैसेज है। निश्चित रूप से उनका पहुंचना ही एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक तरफ वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ वो एक्शन भी जारी है। उससे ठीक पहले आपने देखा जब जिला अस्पताल से पहले उन्होंने एक बैठक यहां पर ली, बाकायदा वो जानकारी ली कि कैसे क्या था, किसने परमिशन दी थी, परमिशन थी तो कितने की थी, कैसे ये हादसा पेश आ गया, कैसे वहां पर ये स्टैंपीड जो है वो वहां पर हो जाती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हाथरस जिला अस्पताल से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन घायलों के बीच, इस हादसे के जो पीड़ित हैं उनके बीच इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं, जो भी तमाम इस वक्त जो भी जिस तरह के भी उपचार की उनको जरूरत है वो हर संभव उपचार उन लोगों को वहां पर दिया जा रहा है। एक महिला इस वक्त, क्योंकि ज्यादातर इस सत्संग में, ज्यादातर इस कार्यक्रम में श्वेता हमने देखा था कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, जैसा आप भी खुद अभी यहां पर बता रही थी, महिलाएं और बच्चे ज्यादा तादाद में वहां पर थे। और देखिए इस वक्त बहुत ज़रूरत है ये बताने की कि कैसे सरकार खड़ी है साथ उन लोगों के जो इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल में हैं, तो वो जिन्होंने अपनों को खो दिया है, क्योंकि इसके बाद सीधे घटनास्थल पर भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। सृष्टि हमारे साथ है, सृष्टि जो भी घायल हैं उनसे खुद योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कुछ हुआ था और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जो बता रही है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त किस तरह से एक्शन में है।